Good morning, students. Welcome to social science class. Yes, students. In our previous video, we have discussed about the president, its election, the process to remove the president, the succession of presidency, and the salaries and other things or immunities of the president. Okay. And today we are going to discuss about the powers and functions of president. As we have discussed before, that legislature has some powers like legislative powers, executive powers, financial powers. Same as that, our president also have some powers. Hamare president ke paas bhi kuch powers hoti hain, because he or she is the head of the country. Kyunki wo kya hai, wo hamari country ke head hai. So the president of India has executive power, legislative power, judicial power, financial power, and emergency power. Okay, these are the powers that are in the hand of president. Okay, but one thing we have discussed, that he is just the nominal head. Okay, he is not the real head of the country. Wo nominal head hai, and all the real powers are in the hand of prime minister and council of minister. Just keep it in mind. ये चीज़ आप ध्यान रखेंगे कि हमारे प्रेसिडेंट डिसीजंस तो लेते हैं, बट वो उनके अपने डिसीजंस नहीं होते. वो डिसीजंस कौन रिकमेंड करता है? यूनियन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर एंड प्राइम मिनिस्टर. ओके, सो ऑल दीज पावर्स आर द पावर्स ऑफ प्रेसिडेंट, बट इन रियल दीज पावर्स आर यूज्ड बाय काउंसिल ऑफ मिनिस्टर एंड प्राइम मिनिस्टर. Okay, so let's discuss the first power. First is executive power, means to execute something, to implement something. ठीक है, जो भी decisions लिए गए उन्हें implement करना, उन्हें use करना, decisions लेना, ये सब चीज़ें executive powers का part है. Okay, so let's start with that. Being head of union executive, all the administrative decisions are taken इन हिज हर नेम. जितने भी इम्पॉर्टेंट डिसीजंस होते हैं, दीज और दोज आर टेकन इन द नेम ऑफ प्रेजिडेंट. प्रेजिडेंट का नेम लेकर, बिकॉज ही इज़ द हेड, उनका नेम लेकर वर्क किया जाता है. चाहे वो डिसीजन उनके हैं या नहीं है, बट वो डिसीजन किनके माने जाते हैं, नेम किसका आता है, कि दीज डिसीजन आर टेकन बाय द प्रेजिडेंट ऑफ आर कंट्री. ओके, और इनमें कौन से डिसीजंस हैं? ऑल द इम्पॉर्टेंट अपॉइंटमेंट्स इंक्लूडिंग प्राइम मिनिस्टर, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर. वी ऑल नो दैट प्राइम मिनिस्टर इज इलेक्टेड बाय द कॉमन पीपल ऑफ आर कंट्री. हमारी कंट्री के सिटीजन्स जो हैं वो प्राइम मिनिस्टर को इलेक्ट करते हैं. बट अपॉइंट मीन्स उस पोस्ट पर प्राइम मिनिस्टर को अपॉइंट कौन कर रहा है? दैट इज़ द प्रेजिडेंट. ओके, और प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर की हेल्प से यूनियन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को भी अपॉइंट करता है. ठीक है, द रिकमेंडेड पर्सन्स बाय द प्राइम मिनिस्टर बिकम द मिनिस्टर्स. ओके, जिन भी पर्सन्स को प्राइम मिनिस्टर रिकमेंड करता है कि ये एक अच्छा मिनिस्टर हो सकता है, ये मेरे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का पार्ट होना चाहिए, तो प्रेसिडेंट उन पर्सन्स को काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का मेंबर बना देते हैं. ओके, इसके अलावा गवर्नर, चीफ जस्टिस एंड जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, कंट्रोलर एंड ऑडिट जनरल ऑफ इंडिया एंड अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, दीज आर द इम्पॉर्टेंट पोस्ट. ठीक है, जितने भी इम्पॉर्टेंट अपॉइंटमेंट्स हैं, ऑल द अपॉइंटमेंट्स आर डन बाय द प्रेजिडेंट. ओके, प्रेजिडेंट ऑल्सो अपॉइंट द मेंबर ऑफ इलेक्शन कमीशन, फाइनेंस कमीशन. ओके, एंड सुप्रीम कमांडर ऑफ इंडियाज डिफेंस फोर्सेज. वो अपॉइंट तो करता ही है फाइनेंस कमीशन को और इलेक्शन कमीशन के मेंबर्स को, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के मेंबर्स को,
चीफ जस्टिस को, अटॉर्नी जनरल को, सबको वो अपॉइंट कर रहा है, ओके, बट ही इज़ द सुप्रीम कमांडर ऑफ इंडियन डिफेंस फोर्सेस, जो इंडिया की डिफेंस फोर्सेस हैं, वेदर इट इज़ नेवी, आर्मी और एयरफोर्स, थ्री फोर्सेस हैं हमारी, तो इन तीनों फोर्सेस का हेड, सुप्रीम कमांडर कौन है, दैट इज़ द प्रेसिडेंट, ओके, ही और शी हैज़ द राइट टू बी केप्ट informed about all the decisions of Council of Minister through the Prime Minister. उसका ये right है, उसको ये right मिला हुआ है कि जितने भी decisions लेने, whether these decisions are taken by the Prime Minister, but he or she should be informed. उसे information होनी चाहिए कि ये work किया जा रहा है, okay? वी नो दैट यहाँ पर डिमोनेटाइजेशन हुई थी, यानी कि नोट्स को चेंज किया गया था, जो हमारे करेंसी है उसे चेंज किया गया था, तो वो हम कहते हैं कि एकदम से हुआ, नो, ये सडनली होने वाला कोई ऐसा इशू नहीं था, कोई डिसीजन नहीं था. इस डिसीजन के बारे में भी फर्स्टली प्रेसिडेंट को इन्फॉर्म किया गया, आफ्टर दैट दिस डिसीजन वॉज टेकन बाय द प्राइम मिनिस्टर. ठीक है, प्रेसिडेंट को इन चीज़ों के बारे में पहले से इन्फॉर्म किया जाता है. क्लियर? तो अबाउट ईच एंड एवरीथिंग, जो भी डिसीजन लिए जाते हैं, वो डिसीजंस प्रेसिडेंट को इन्फॉर्म करके प्राइम मिनिस्टर और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर उन डिसीजंस को लेते हैं. ओके, नेक्स्ट इज लेजिस्लेटिव पावर. Now we all know that legislative power means the power to make law. Okay, legislative power means keep it in mind, हमेशा अपने mind में रखना, legislative power का मतलब है law को बनाना. Okay, president is an integral part of our Indian parliament. Okay, and he or she can summon, prorogue and एड्रेस द टू हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट. प्रेजिडेंट कभी भी पार्लियामेंट के हाउसेज को कॉल कर सकता है, उन्हें होस्ट कर सकता है, बुला सकता है उन्हें फॉर मीटिंग. एवरी ईयर द फर्स्ट सेशन ऑफ पार्लियामेंट बिगिन विद हिज हर एड्रेस. हर साल जब पहला सेशन होता है, ईयर का फर्स्ट सेशन, उसको एड्रेस करता है, उसको होस्ट कौन करता है, दैट इज़ द प्रेसिडेंट. उस टाइम पर एड्रेस करना मीन्स स्पीच देना, उनको कॉल करना, ये कौन करता है, प्रेसिडेंट. ओके, ही और शी कैन डिसॉल्व द लोकसभा बिफोर द एक्सपायरी ऑफ इट्स नॉर्मल टर्म इफ ही शी एडवाइज टू डू बाय द प्राइम मिनिस्टर. इफ प्राइम मिनिस्टर फेल्ट दैट ही और शी has no confidence in the parliament, तो वो क्या कर सकता है, एडवाइस कर सकता है प्रेसिडेंट को कि जो लोकसभा है उसे डिसॉल्व कर दिया जाए. सो एट द एडवाइस ऑफ प्राइम मिनिस्टर द प्रेसिडेंट कैन डिसॉल्व द लोकसभा एंड राज्यसभा बिफोर इट्स टर्म. इसके 5 साल के टर्म से पहले ही लोकसभा को डिस्ट्रॉय या डिसॉल्व किया जा सकता है. ठीक है, 5 ईयर से पहले इसको डिसॉल्व कर दिया जाता है एंड अगेन इलेक्शंस करवाए जाते हैं. ओके, नो बिल पास्ड बाय बोथ द हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट बिकम अ लॉ विदाउट हिज हर कंसेंट. प्रेसिडेंट के यस के बिना, प्रेसिडेंट के अप्रूवल के बिना कोई भी बिल हाउसेस से पास होकर एक लॉ नहीं बन सकता. ठीक है, नो बिल पास्ड बाय हाउसेस ऑफ द पार्लियामेंट बिकम्स अ लॉ विदाउट हिज और हर कंसेंट. टू बिकम अ लॉ अ बिल हैज टू अप्रूव्ड बाय प्रेसिडेंट. ठीक है, किसी भी अप्रूवल को, किसी भी बिल को पास होने के बाद प्रेसिडेंट का अप्रूवल मिलना ज़रूरी है. इट इज़ नेसेसरी.
प्रीरियर अप्रूवल ऑफ द प्रेसिडेंट इज एसेंशियल बिफोर अ मनी बिल इज इंट्रोड्यूस्ड इन लोकसभा. जो फाइनेंशियल बिल है, जो मनी के रिगार्डिंग बिल है, द बिल्स आर इंट्रोड्यूस्ड ओनली इन लोकसभा. ये बिल्स सिर्फ लोकसभा में इंट्रोड्यूस होते हैं और इन बिल्स का प्रीरियर अप्रूवल होना ज़रूरी है. प्रीरियर मीन्स पहले से. ऑर्डनरी बिल्स जो हैं, जो नॉर्मल लॉज हैं, वो बाद में भी अप्रूव हो सकते हैं, बट जो मनी बिल है, जो मनी से रिगार्डिंग बिल है, वो फर्स्टली अप्रूव होगा एंड आफ्टर दैट इट इज़ इंट्रोड्यूस्ड इन लोकसभा. पहले उसे प्रेसिडेंट से अप्रूव करवाया जाएगा, यस करवाई जाएगी कि ये सही है बिल. आफ्टर दैट उस पर वोटिंग होगी लोकसभा में. क्लियर. द 12 मेंबर ऑफ राज्यसभा आर नॉमिनेटेड बाय द प्रेसिडेंट फ्रॉम अमंगस द डिस्टिंग्विश्ड पर्सन इन द फील्ड ऑफ आर्ट, साइंस, लिटरेचर, सोशल साइंस, स्पोर्ट्स एटसेट्रा. 12 पर्सन्स राज्यसभा में उस एरिया से रिकमेंड किए जाते हैं, नॉमिनेट किए जाते हैं बाय द प्रेसिडेंट, जिस एरिया में उन्होंने अपना सबसे बेस्ट परफॉर्म किया होता है. फॉर एग्जांपल, सचिन तेंदुलकर, ही वाज द मेंबर ऑफ राज्यसभा, ओके, बिकॉज ऑफ हिज अचीवमेंट्स इन क्रिकेट. स्पोर्ट्स में उनके अचीवमेंट्स को देखते हुए उन्हें राज्यसभा का मेंबर बनाया गया था. लता मंगेशकर वॉज ऑल्सो द मेंबर ऑफ राज्यसभा, क्योंकि उन्होंने अपने एरिया में, जो उनका सिंगिंग का एरिया था, उसमें एक्सेल लिया था, सबसे बेस्ट सिंगर थी वो. ठीक है. सो अपने एक फील्ड में, चाहे वो आर्ट है या लिटरेचर है, साइंस है, किसी भी फील्ड में जो पर्सन बेस्ट करता है, जो बहुत अच्छा करता है, ही और शी इज़ नॉमिनेटेड एज द मेंबर ऑफ राज्यसभा इन बाय प्रेसिडेंट. ओके. He or she can also nominate two Anglo-Indians to Lok Sabha if the community is not adequately represented. अगर Lok Sabha के elections में Anglo-Indian is a community, Anglo-Indian community के लोगों को proper representation नहीं मिलता, then president has the power to nominate two Anglo-Indians to the Lok Sabha. ओके. प्रेसिडेंट के ये पास पावर है कि वो दो एंग्लो इंडियंस को नॉमिनेट कर सकता है लोकसभा में, इफ़ द कम्युनिटी इज नॉट एडिक्वेटली रिप्रेजेंटेड. अगर कम्युनिटी को प्रॉपर रिप्रेजेंटेशन नहीं मिलती तो. ओके. सो दिस इज अबाउट लेजिस्लेटिव पावर. द नेक्स्ट इज फाइनेंशियल पावर. वी have discussed that all the financial bills must be approved prior. पहले से ही approve होंगे, only then they can introduce in Lok Sabha. ठीक है. तो जितने भी money bills हैं, वो तो एक तो पहले ही president से approve होंगे. Clear. And the annual budget of the country, वो भी money से regarding है, money से related है, तो वो भी parliament में प्रेसिडेंट के नेम से शो किया जाएगा कि हमारे प्रेसिडेंट चाहते हैं कि ये सब चीज़ें, इनकम इस एरिया से मिले, इस इनकम को इस एरिया में उसका यूज़ किया जाए. ठीक है. रेलवेज़ के लिए यूज़ किया जाए या सिक्योरिटी के लिए यूज़ किया जाए, तो ये सब चीज़ें प्रेसिडेंट के नेम से शो की जाती हैं, प्रेजेंट की जाती हैं. ओके. All the money bills have require his her approval before they introduce in Lok Sabha. That we have discussed. कि जितने भी money bill हैं, वो पहले president से approve होते हैं और उसके बाद ही वो money bills Lok Sabha में voting के लिए present किए जाते हैं. He has the power to appoint member of finance commission. Finance means money. जो जो finance commission के members हैं, उनको भी कौन appoint कर रहा है? President. In case certain extraordinary situation arise, the president can sanction money to the government out of the contingency fund to meet the situation.
अब ये कॉन्टीजेंसी फंड क्या है? इट इज़ जस्ट लाइक द एमरजेंसी फंड, ठीक है, एक एमरजेंसी फंड की तरह है। तो जब भी कभी हमारी कंट्री में कोई प्रॉब्लम आए, फाइनेंशियल प्रॉब्लम, तो हमारे प्रेसिडेंट के पास ये राइट है कि वो गवर्नमेंट को मनी सैंक्शन कर सकते हैं फ्रॉम द कॉन्टीजेंसी फंड टू मीट द सिचुएशन। सिचुएशन को कंट्रोल में करने के लिए प्रेसिडेंट कैन ग्रांट द मनी टू गवर्नमेंट आउट ऑफ कॉन्टीजेंसी फंड। प्रेसिडेंट गवर्नमेंट को कॉन्टीजेंसी फंड में से मनी दे सकते हैं। ओके, सो दीज आर द थ्री पावर्स। फर्स्ट वन इज एग्जीक्यूटिव पावर, द अदर वन इज लेजिस्लेटिव पावर, एंड द नेक्स्ट वन इज फाइनेंशियल पावर। ओके, नाउ द टू पावर्स आर रिमेनिंग, द जुडिशियल पावर। लेट्स डू द जुडिशियल पावर, आफ्टर दैट वी विल डू एमरजेंसी पावर इन आर नेक्स्ट वीडियो। सो जस्ट अंडरस्टैंड वॉट इज द जुडिशियल पावर। जुडिशियल पावर मीन्स प्रेजिडेंट हैज़ द पावर टू अपॉइंट चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट, ठीक है। प्रेजिडेंट के पास पावर है कि वो सुप्रीम कोर्ट के जजेस, हाई कोर्ट के जजेस एंड चीफ जस्टिस को अपॉइंट कर सकते हैं। ओके, द अदर जुडिशियल पावर इज दैट ऑन द अपील फॉर मर्सी, मर्सी मीन्स माफ़ी, ठीक है। तो अगर कोई दया की भीख मांगता है, कुछ अपील की जाती है कि मुझ पे दया कीजिए, टुक पिटी ऑन मी, तो एट दैट टाइम प्रेसिडेंट हैज़ द पावर टू रिड्यूस द सेंटेंस और ग्रांट पार्डन और एमनेस्टी। वो जो प्रिजनर है, जो पर्सन है, उसकी पनिशमेंट को कम कर सकते हैं, ठीक है, और उनको माफ़ भी कर सकते हैं। उनकी जो डेथ का उनको मिला हुआ है पनिशमेंट, के हैंग टिल डेथ, फांसी की सज़ा जो मिलती है, उसे भी रिड्यूस कर सकते हैं। ही कैन चेंज द डेथ सेंटेंस और कैन पोस्टपोन इट। वो इसे चेंज कर सकते हैं और इसका टाइम भी पोस्टपोन कर सकते हैं कि अगर वो नेक्स्ट मंथ मिल रही है तो उसके बाद वो वन मंथ या टू मंथ्स के बाद मिले या पहले मिले या कुछ भी इस तरह से किया जा सकता है। ओके, सो दीज आर द जुडिशियल पावर्स। क्या है जुडिशियल पावर? कि वो अपॉइंट करते हैं जजेस को, हाई कोर्ट के और सुप्रीम कोर्ट के, एंड ऑल्सो अपॉइंट द चीफ जस्टिस। ओके, एंड ऑन द अपील फॉर मर्सी प्रेजिडेंट हैज़ द पावर टू रिड्यूस द सेंटेंस और ग्रांट पार्डन और कैन चेंज द डेथ सेंटेंस और पोस्टपोन इट ऑल्सो, ठीक है। सो दीज आर द फोर पावर्स, एंड द फिफ्थ पावर दैट इज एमरजेंसी पावर वी विल डिस्कस इन आर नेक्स्ट वीडियो। ओके, सो दैट्स इट फॉर टुडे। रीड योर टॉपिक्स फ्रॉम द बुक पेज नंबर 222 एंड 223। ओके, सो दैट्स इट फॉर टुडे। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।